नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भारत के तीन महान क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दी गई थी, जिनमें भगत सिंह थे, सरदार भगत सिंह थे पूरा नाम, और आपके सुखदेव थे और राजगुरु। इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी लाहौर की सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को। इसीलिए 23 मार्च को भारत में तीनों क्रांतिकारियों की, तीनों महान क्रांतिकारियों की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह जी का जन्म 1907 में, जो कि इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है, लायलपुर गांव में हुआ था, लेकिन उनका पैतृक गांव भारत के पंजाब के बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ हुसैनी वाला नामक जगह है, खट्टर कला उनका एक पैतृक गाँव है। ठीक है, तो भगत सिंह जी ने 1928 में सांडर्स की गोली मार करके हत्या की थी। भगत सिंह के और भी अन्य सहयोगी क्रांतिकारियों ने, जिसमें सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद थे, इसके अलावा 1929 में भगत सिंह और वटकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को लाहौर की असेंबली पर बम फेंका था, जो ब्रिटिश सरकार को अपनी बात रखनी थी, अपनी आवाज के बारे में बताना था। और वर्ष 1925 में जो अगली घटना थी, काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी, जो एचआरए के क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी, जिसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से एक सभी क्रांतिकारी शामिल थे। तीनों क्रांतिकारियों को जो फांसी दे दी गई थी, तो उनके बाद इन तीनों क्रांतिकारियों के शवों को भारत के पंजाब में लाया गया, और भारत के पंजाब में फिरोजपुर जिले में हुसैनी वाला नामक गाँव में सतलज नदी के किनारे सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की समाधि स्थल स्थित है। तो आज ही के दिन 23 मार्च को आप याद रखेंगे, शहीद दिवस मनाया जाता है। नमस्कार।